try. Happy anniversary, Kitty. Thank you. Gyarvi. तुम जियो हजारों साल। बच्चा ताली बजा रहा है। तो क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ तुम्हारे बारे में? शबनम के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, तो गाइस चलिए फिर शबनम को बिगाड़ रहे। क्या जबरदस्ती हरकत कर रहा है? ये देखो क्या हुआ। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त है एकदम और स्वस्थ है। तो गाइस आज है बहुत ही स्पेशल डे और हम लोग जा रहे हैं बाजी के घर। तो बाजी के घर जाने से पहले हम लोग जाएंगे केक शॉप पे, वहाँ से केक वेक लेंगे। अब क्यों केक लेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। आज भाई और बाजी और भाईजान की एनिवर्सरी है, इस वजह से। तो चलिए हम लोग जाते हैं फटाफट, पहले केक ले लेते हैं उसके बाद हम लोग जाते हैं, क्योंकि अभी तो मैं आया काम पे से, तो हम लोग को इतना कुछ समझा नहीं, मतलब गिफ्ट वगैरह ये वो क्या लाने का क्या नहीं। तो मैं बोला चलो जाते और वो ले लेते क्योंकि टाइम बहुत कम है। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं फिर केक वेक लेके जाएंगे बाजी के घर पे और छोटा मोटा ऐसे सेलिब्रेट करेंगे हम हमारी तरफ से। और ये देखिए शबनम भाई भी इधर रेडी हो चुके हैं। क्या बोलते शबनम भाई? अरे कुछ बोलो तो मैडम। कहाँ गया महाराज? तो देखो भैया ये लड़का देखो देखो, अरे बाप रे बाप, महाराजा साहब यहाँ बैठे, महाराजा साहब आप। हाँ और शबनम ने इतने सारे कपड़े धोए गाइस, ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखो इतने, फिर ये रख दिया और इससे आधे कपड़े तो रख दिए, अभी लपेट के सूख गए थे, अब इसको और वापस डालना है। भर के थे पूरी 5 रस्सी भर के इतने नीचे, फिर उसके बाद तो अभी इसको भी सब घड़ी कर करके रखना है। तो चलिए हम लोग पहले निकलते हैं। चलो महा चलो। और ये लड़का सो रहा था, मैंने इसको नींद में से उठा दिया क्योंकि ये रात भर सोएगा नहीं। कल क्या करा जब हम कुछ बताएंगे? अरे सोता ही नहीं, अभी बाइक पे बैठेगा तो सो जाएगा। सुनाने के दोनों में टांग उसको हिला के दुख जाती कल है। 2 बजे रात तक ये लड़के ने परेशान किया शबनम को, 2 बजे रात तक सो रहा ही नहीं था। क्या किया? सो रहा ही नहीं था, खेल रहा था और मैं थक गई थी। अब सो जाओ, कपड़े कितने धोए थे। महा चलो, महा चलो बेटू। ए महाज, महाज, ए महाज, चलो चलो अबू जा रहे, चलो 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 शबनम अपन जाते। चलो महाज को छोड़ दो यहीं पे, देखो आएगा भाग के आएगा। चलो मम्मा चलो चलो, नहीं नहीं चलो अपन जाते हैं छोड़ के इसको महात को। बाइक चाबी लो जरा बताओ नीचे। चलो चलो बाबू आ जाओ, आओ चलो जा रहे अभी मम्मी पापा। चलो मम्मा चलो, अपने को जाने का बेटू। आओ गुड्डू, बच्चा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह एक नंबर दिख रहा है मेरा शेर। आ जाओ मेरा बच्चा, चलो आराम से चलो, बिस्मिल्लाह आओ। इसके चक्कर में ना मैं गिरूंगी फंस के नकाब से। हाँ चलिए इसके ओ भाई एक मिनट भाई मेरा मोबाइल वोबाइल तुम कुछ लेते ही नहीं? सब ली भाई, ले लिए भाई सब, तो पानी नहीं पीने देंगे भाई मेरे को, गले में मॉडल लटका रहा तुम। और मेरी आदत है गाइस मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो बिना पानी पिए नहीं निकलता भाई, तो इसके लिए। तो चलिए फटाफट निकलते हैं और केक शॉप पे मिलते हैं। तो गाइस हम बाहर आ चुके हैं और ये देखो डब्बू, ये गली में इतनी मस्ती करता है, इतना मस्ती खोर बच्चा है। क्या फिर मुसद्दिक भाई, तो चलो चलते हैं फिर। ये लो बच्चे पीछे मस्ती कर ले महत भाई। तो हम लोग जा रहे हैं अभी केक की शॉप पे। तो जो बच्चा मैंने बताया ना, इतनी मस्ती करता है इसकी कोई हद नहीं। और एक ये है जा रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस औरंगाबाद में बहुत ठंडी है, इतनी ठंडी लग रही है, पूरे हाथ वाथ एकदम ठंडे हो गए हैं। मैं ऐसा मतलब हमारे मुंबई में नॉर्मल में कभी मैंने स्वेटर ये सब मोजे कभी नहीं पहनी, पर यहाँ की ठंडी में मैं पहनती ही पहनती हूँ। अभी मुझे सब खरीदना भी है
तो अभी उसके लिए जाएंगे फुर्सत से, महात्या बू जल्दी आ जाएंगे तो वो ठंडी नहीं बाप मुझे बहुत कम कैसा वाला मुझे ना ऐसे वो बाल वाला पूरा यहाँ पे सूटर रहता है ना, जब ऐसा टोपी लगा तो पूरे बाल यहाँ पे रहते वैसा चाहिए, तो मैं वैसा वाला स्वेटर लूँगी और हाथ के ग्लव्स लूँगी, कान का वो लूँगी, हेडफोन जैसा रहता है वो, पैर के मोजे, पूरा मनाली बन जाऊँगी अपने घर के अंदर ही अपने घर के अंदर ही पूरा मनाली बना लूँगी, मौसम है ही इतना ठंडा। तो चलो चलते हैं, बहुत ठंडी लग रही है। हम पहुंच गए केक की शॉप पे, चलो देखते हैं कौन सा केक लेते हैं कौन सा नहीं। तो मैं रसमलाई केक बोल रही हूँ, है ना? नहीं नॉर्मल बिस्किट है वो, रसमलाई अच्छा रहेगा। हाँ तो इस पे हम एनिवर्सरी का टैग लगवा रहे हैं। हाँ हाँ रसमलाई सबको अच्छा लगता है और तो मैं रसमलाई का ले रही हूँ। महाद महाद देखो, महाद को देखो, महाद को तो पूरे औरंगाबाद की ठंडी लग रही है भाई, है ठंडी यार, है ना मम्मा? हाँ हाँ ले रहे ले रहे। केक पैक हो चुका है, अभी उसको उल्टा थैली ज़्यादा अच्छी रहती है। ओके केक रेडी हो चुका है। हाँ चलो चलते हैं, चलो अब चलते हैं। मैं ज़्यादा हिलूँगी नहीं तो, क्योंकि ना ये केक रस मलाई से पूरा फैल जाएगा। हाँ चलो। तो हम लोग आ गए बाजी के घर पे और आज भाईजान तो भाई 10 बजे सो गए आज। क्या 10:30 बजे क्या मालूम भाईजान ने वो कहावत तो नहीं सुन ली, वो रात में जो जल्दी सोए सुबह में जल्दी जाके दुनिया में वो सबसे आगे 10 बजे भाईजान। चलो और महाद अरहान सुबान सोले ये सोले अच्छा वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तेरा? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान तेरा नाम क्या है? अब्दुलरहमान नाम है तेरा। और इसको देखो कैसा बैठ गया बाजी के गोद में, और आरान को देखो, आरान ये आरू आरू तुम साइकिल पे से गिरे थे ना, लेके आए ना मछली के ऊपर के जैसा। हाँ ये क्या है भाई? क्या फोटो वाला दिख रहा है? नहीं बेटा फोटो वाला नहीं है। गैस किया उसने? नहीं हम लोग एकदम अभी अर्जेंट में गए थे ना, फोटो वाला नहीं लेके। वो वहाँ से नहीं लाया भाई, सईद के पास से नहीं लाए बात। तो हमारे बाजी भाई का यहाँ पे केक कट रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी कितनी? 11वीं। मुबारक मुबारक माशाल्लाह, ऐसे ही तुम लोग जिंदगी भर साथ रहो, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अरे मेरा बच्चा ताली बजा रहा है। अरे वाह मेरा बेटा बड़ा हो गया, ताली बजाने वाला हो गया। खा लो मम्मा। जीजी अप्पू का अप्पू हाँ खाओ तो अच्छा है ना टेस्ट का, केक का टेस्ट अच्छा है ना। हाँ पहली बार मैंने अभी दूसरे के थोड़ा हम लोग अलग से लाए। हाँ तो वो सही। सो गाइस इन लोग का ये देखो तीनों देख के भी गांधी जी के तीन मंदिर लोग, और माँ इतना शांति से देख रहा, मेरे को यही नहीं यकीन हो रहा। नहीं तो अब तक के अली रहता बेचारा तो उसके हाथ में से छीन लेता था, पर अरहान ये अरहान को कुछ नहीं बोल रहा। देख ना पलटा रहा है, शबनम पलटा रहा है, देखो ना देखो पलटा रहा पलटा रहा। देखो ना इतना खामोशी से कब से पड़ा हो बेचारा। और यहाँ पर लगा रहे मेहंदी। अरे वाह माशाल्लाह, कल नहीं लगा पाए थे, लेट हो गया था ना इस वजह से। हाँ कल लेट हो गया, कल बुलाई इसने फोन करके। हाँ। लेकिन मेरे को टाइम नहीं था, अरे बच्चों के एग्जाम्स भी है ना अभी। ये लोग सो गए थे। हाँ अब तो मेहंदी लग चुकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई।
जजाक अल्लाह शुक्रिया इतनी रात में आके लगाया। अरे आई थी जल्दी, लगाते लगाते टाइम कोई नहीं। हाँ हाँ कल तो कल ही लग जाती पर ऐसा टाइम ही नहीं मिला ना। नहीं अच्छी लगी, बाजी ही लगाए। हाँ। बाजी को भी बहुत अच्छी डिजाइन आती है। नहीं नहीं आती है नहीं, पर नहीं, अभी वो ऐसे नहीं, सुबह घाई घाई में उन्होंने ऐसे हल्की फुल्की लगा, बस ऐसे ही लगा ली थी मैंने। चलो चलो तो भाई रास्ते भाई बाजी और भाईजान की 11वीं एनिवर्सरी, तो ढेर सारी दुआएं देना और सारा प्यार देना, बहुत सारी दुआएं देना अच्छी अच्छी। और चलिए फिर हम लोग भी जाते हैं पहले घर पे, जाओ सामान चाय बनाती ना। नहीं बाजी चाय भाई नको, थोड़ी सी ठंडा पियो, कुछ भी नहीं। हम लोग आ गए घर पे बाजी के वहाँ से, और हम लोग गए थे केक लेके, बाजी बहुत खुश हो गए और शबनम को इतनी जोर से गले लगाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और शबनम तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को फोटो बताऊंगा, टाइम बाद कोई ऐसे बड़े ने गले लगाया। हाँ तो बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने वही मोमेंट पे फोटो भी खींच लिया, मतलब एक्सीडेंटली कि मैं फोटो रखूंगा तो कैसा यादगार। मतलब उन्होंने इतने मतलब अचानक इसी में बैठी थी, बोले अल्लाह बच्ची आई रे मेरी, ऐसा बोले, इतना अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी रात में आई, मेहंदी लगाई, केक केक लेके आई हमारे लिए, ऐसा उनको बहुत खुशी हुई दोनों भाई जी। अल्लाह हमेशा ऐसी दिलों को मिला के रखे, बस मैं तो यही चाहता हूँ बाबा, हर किसी की यही ख्वाहिश है कि अल्लाह एकदम बस दिलों को मजबूत बना के रखे आपस में, भाई बहनों में, भाईचारे में। तो गाइस हम लोग अभी बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए, और शबनम ने आज क्या बनाए हैं खाने में? आज मैंने बनाई हूँ चिकन का सालन चावल, रोटी नहीं बनाई क्योंकि हमको जाना था, इस वजह से नहीं बनाई रोटी। और गाइस शबनम ने बनाए थे आलू के पराठे कल, क्या पराठे बनाए थे भाई, मजा आ गया। तो आज मैंने सुबह में नहीं है, मेरे को नहीं जमता है नाश्ता, कितना भी अच्छा कुछ भी बना रहेगा तो मैं नहीं खाता हूँ, ऑयली नहीं खाता। हाँ सुबह सुबह हार्ड नाश्ता नहीं करता हूँ मैं। तो आज मैंने आलू का पराठा खा के गया था, मेरे को भूख ही नहीं लग रही थी भाई। तो गाइज चलिए, और मात की मस्ती इतनी हो गई, और मेरे को कल वाले ब्लॉग पे जो फलस्तीन प्रे फॉर फलस्तीन था, वी स्टैंड विद फलस्तीन, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए लोगों का, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। हम लोग मेरे को गली में भी मतलब लोगों ने बहुत से रुका के शाबाशी दी, क्या बोले भाई बहुत अच्छा शूट किए, और सबसे अच्छी चीज़ बोले तुमने ब्लॉग में ये किए ना, बोले कि जो तुमने पूरी दुआ ली, क्योंकि बोले घर में बैठे बैठे मतलब सबने आमीन भी बोले सब, एकदम कुछ नहीं कर सकते दुआ के अलावा। सही बात है, और हम दुआ के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो बस आप लोग भी यही मैं बोलते रहूंगा बार बार के फिलिस्तीन के लिए दुआ करें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, जितना हो सके। इसका देख के अब मेरे को मालूम है ना, हाँ ना यार रोना तो आएगा ही भाई, अपन आज अपने बच्चे को 10 मिनट दूर देखते, अपनी नजर से दूर रहता है तो अपना दिल में दिल नहीं रहता है, तो लोग तो बेचारे बाप रे बाप इतना इतना अपने गोद में उठा उठा के लेके जा रहे हैं, बोलो ऐसी हालत में अल्लाह उनके दिल में, बोल रहा ना यार सही में अल्लाह वो हर मरहूमिन की भी मगफिरत करे। अजी, और अच्छा ब्लॉग बना, उसमें भी कमेंट देगी तुमने दो तीन क्या आए मतलब थोड़े बहुत? अरे दो तीन लोग को बताओ, आई डोंट केयर, मैं अपने को फर्क नहीं पड़ता है। तो बस हम अपनी तरफ से जो भी हो सके, देखो अभी ये दुनिया ऐसी है कि अल्लाह ने दीन में भी उलझाया इंसान को और दुनिया में भी उलझाया, तो गाइज अपने को तो देखो, मेरे को मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, बस अच्छे लोगों ने देखो भाई अगर जिंदगी में आगे बढ़ने का है ना, तो आजू बाजू क्या हो रहा है इस पे ध्यान नहीं देने का, अपने को अपना टारगेट एम करने का है। तो इतने लोग अपने को अच्छा बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है भाई, इतने सारे लोग अपने को अपना साथ दे रहे हैं, हम मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो चलिए गाइज आप लोग भी आइए खाना खाने, और महाद बाबू को देखो हमारे महाद, ए महाद पापा ये देखो महाद, नहीं सुनेगा अरे आ आ आ डेंजर हो रहा है महाद, ताली बजा के बताओ, ताली 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 ताली। सो गाइस ये देखो ये है कुछ मद्दू की हरकतें, का क्या जबरदस्ती हरकत कर रहा है, देखो क्या हुआ महाद क्या क्या आई 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 इसकी
की बातें सुनो हाँ सिर्फ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मामा हाथ दे दी। इसकी हरकत देखो अब। और गाइस मात को पड़ गया एक टेबल। मोबाइल छीन रहा है। अपने आप को देख रहा है फ्रंट कैमरा में मोबाइल छीन रहा है। सबको बोल दो अस्सलामुअलैकुम गाइस। हाथ बोल दो सबको अस्सलामुअलैकुम। कितना खुश हो रहा देखो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह ये चिल्लाओ अभी इसको चिल्लाओ गुस्सा दिलाओ। हाँ महाद मात को गुस्सा दिला रहे हैं। मात के मम्मी नहीं नहीं आता उसको गुस्सा। अरे बाबू अरे बाबू अरे अल्लाह बस हो गया अब चलो बस हो गया बस हो गया मम्मा नजर हो जाएगी मम्मा। सो गाइज हम लोग का खाना पीना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा बिस्तर भी डल गया है देखो नीचे और बस अभी सोने की तैयारी है। थकान भी काफ़ी ज़्यादा है मेरी शबनम की भी है। शबनम के पैर में ना एकदम ऐसा मतलब पैर एकदम ना फटने कर रहा है। एडी टिका रहे ना तो बहुत तकलीफ हो रही है उनको। तो वो दिन कपड़े वपड़े इतने सारे धो लिए मजबूत कर लिए काम तो उससे पूरा पैर में दर्द हो रहा है। अभी वहाँ सामने घर बन रहा है तो उन लोग धोने ही नहीं दे रहे। तो गाइज आज भाजी की कितनी भी बोले थे मैं भूल जाता हूँ यार। 11वीं एनिवर्सरी है और मस्त है माशाल्लाह। अल्लाह ऐसी हमेशा खुश रखे हंसी हाँ। खुशी रखे मतलब बहुत सल्यूट की बात है मतलब माशाल्लाह रिश्ता ऐसा मतलब 11 साल बोले तो लोग कहाँ नहीं बहुत अच्छे बिचारे हमारे भाईजान भी बहुत अच्छे भाईजान बहुत अच्छे हमारे भाजी भी बहुत अच्छे दोनों बहुत अच्छे एकदम। तो महात पापा देखो पीछे बुर बुर कर रहा है और इतने सारे उसने वो तोड़ दिया है देखो पीछे बहुत ज्यादा पड़ेगा बीमार पड़ेगा ऐसा मत कर। मम्मू ए मम्मू तू बैठ जा 5 मिनट इधर बैठ जा तो बैठ 5 मिनट बैठेगा तो क्या बात है। कैसा मोबाइल लेकर आता भाजी का फिर यकीन नहीं देखो मेरा यकीन ही नहीं होता कि महाजी बैठा है वहाँ पे। सही में इतना शांत खुश मिजाज सही बोले तो सो गाइस मात के बहुत बेकार हो गए अभी आजकल। शबनम मेरे को क्या बोलूं मैं क्या बोलूं तुम्हारे बारे में। शबनम के बारे में कुछ बोल नहीं सकते तो गाइस चलिए फिर शबनम मेरे को बिगाड़ रहे और बाकी कुछ नहीं ये मुझे बिगाड़ रहे हैं। अरे अल्लाह मैं क्या दारू की भट्टी पे बिठा रहा क्या तुमको लेके जाके तुम्हारी दारू पियो सुना रही गांजा पिला रही क्या तो गाइस जस्ट फन मैं ऐसी मस्ती में बोल रहा था। तो चलिए फिर गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। हर बार की तरह इस बार ये ज्यादा ना मेरे लाल प्यार में बिगड़ रहे हैं और कुछ नहीं है ज्यादा लाल प्यार में रहता है ना मेरे तो चलिए गाइस फिर क्या हंसी मजाक तो होती रहती है और होनी चाहिए मियां बीवी में थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। तो चलिए फिर मेरा स्कार्फ कब का है मालूम जब मैं ट्यूशन वगैरह जाती थी ना तब का स्कार्फ 5वीं में थे जब ये कुछ भी बोलते 5वीं में नहीं थी पर जब मैं ट्यूशन जाती थी ना तब का स्कार्फ मेरे। ओह माय गॉड। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही काफी है और आज का दिन हमारा खत्म होता है। आज का दिन और ढेर सारी दुआएं बाजी भाईजान के लिए बहुत सारे विशेष सबके लिए और हर किसी के लिए खास तौर पे गाजा फलस्तीन के लिए। तो चलिए खास करके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना और हमारे ब्लॉग को फुल वॉच करना और ऐसी सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आज शबनम ने चूड़ा पहने बताओ आज नहीं पहनी परसों से पहनी 2 दिन से पहनी हूँ। अब ब्लॉग में अब भी दिख रहा तो मैं क्या करूँ। अच्छा ये देखो मेरा बेटा आ गया चुम्मी देता बहु चुम्मी दो मेरा शेर आया शेर नहीं मानेगा भाई। तो चलिए गाइस अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।